नमस्कार गाइस, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं ए टू जेड एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। गाइस, ये है सैंडविच मेकर, जो कि हम इससे सैंडविच बनाते हैं और खाते हैं। गाइस, अगर हमारे पास ये सैंडविच मेकर ना हो तो क्या सैंडविच बन पाएगा या नहीं? गाइस, तो इसे रखते हैं साइड में। और आप लोग कहेंगे बिल्कुल बनेगा, आप लोग कहेंगे कि गैस पे बना लेंगे, तवे पे बना लेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि अगर तवा भी ना हो, गैस भी ना हो, क्या सैंडविच बनेगा? बिल्कुल बनेगा गाइस। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। ये है हमारे पास दो आयरन, एक है स्टीम आयरन, एक है नॉर्मल आयरन। इससे हम आज सैंडविच बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सैंडविच जो हम बनाएंगे बन पाएगा या नहीं। जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो गाइस, अब फाइनली हम सैंडविच को इसमें सेकने वाले हैं और देखेंगे क्या हमारा सैंडविच बन पाता है या नहीं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब देखते हैं बनने के बाद कैसा लगता है। लगता है गाइस हमारा जो सैंडविच है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो देखते हैं इसे निकाल कर। तो गाइस, फाइनली हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है और अब बारी है टेस्ट करने की। तो टेस्ट करके देखते हैं। अब टेस्ट करते हैं इसे सैंडविच को। बहुत हैवी सैंडविच बनाया हमने और
वाह भाई गाइस मजा आ गया, ये तो सारा सैंडविच मैं ही खाने वाला हूँ। तो देखा गाइस किस तरह से हमने इस सैंडविच को तैयार किया है बिना सैंडविच मेकर के, बिना गैस के, केवल इन आयरन की मदद से। इस सैंडविच को बनाना इतना ज़्यादा इजी है। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।